नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। जदयू के 6 विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। जी हां, सही सुना आपने। 2 महीने के भीतर ही नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को 2 बड़े झटके लगे हैं। जदयू को सबसे पहला झटका तो बिहार विधानसभा चुनाव में लगा था, जहां 116 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद सिर्फ 43 सीटों पर ही चुनाव जीतने में सफल रही, जबकि 2015 के विधानसभा चुनाव में उसे 71 सीटों पर जीत मिली थी। अब दूसरा सबसे बड़ा झटका लगा है अरुणाचल प्रदेश में, जहां उसके 6 विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। भले ही बिहार में भाजपा जदयू का गठबंधन है और अभी सरकार भी इसी गठबंधन की है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में भाजपा ने जदयू को बड़ा झटका दे दिया है। जदयू को यह झटका तब लगा है जब पार्टी ने अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि 2019 में अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें भाजपा के बाद जदयू दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रही थी। जहां भाजपा को 41 सीटों पर जीत मिली थी, वहीं जदयू 15 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 7 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। अरुणाचल प्रदेश में जदयू के इस कामयाबी के बाद पार्टी के नेता गदगद हो गए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पक्ष में जमकर नारे लगे थे। अब जदयू के 6 विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं, तो यह नीतीश कुमार के लिए चिंता का विषय बन चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 6 विधायकों के भाजपा में शामिल हो जाने के बाद बिहार में भाजपा जदयू के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा। ऐसे में सबकी निगाहें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिकी है कि अरुणाचल प्रदेश में अपने विधायकों के भाजपा में शामिल हो जाने के बाद नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। आपको बता दें कि जदयू बिहार के अलावा अन्य कुछ राज्यों में भी चुनाव लड़ती है और वहां कुछ सीटों पर चुनाव जीतने में सफल भी रही है। ऐसे में इन राज्यों में भी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में जदयू को जोरदार झटका लगा है और यह झटका उसके सहयोगी दल भाजपा ने ही दिया है, जहां भाजपा ने जदयू के 7 में से 6 विधायकों को पार्टी में शामिल कर लिया है। अब बिहार में जदयू भाजपा के साथ किस तरह का सामंजस्य बैठाती है, यह देखने वाली बात होगी। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा के इस स्टैंड के बाद बिहार में भाजपा जदयू के आपसी सामंजस्य पर क्या असर पड़ेगा, यह तो अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन शायद बिहार में भी भाजपा फ्रंट फुट पर रहना चाहती है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 6 विधायकों को तोड़कर पार्टी ने इस दिशा में स्पष्ट संकेत भी दे दिया है। वैसे में बिहार में भाजपा भी बड़े भाई की भूमिका में है, क्योंकि एनडीए गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ही है। बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से पार्टी को 74 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। अभी बिहार कैबिनेट में भाजपा ने 2 उप मुख्यमंत्री बनाए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।